लोगों का स्वागत हो रीना फुटी किचन में। आज हम बहुत ही कम सामान से बहुत ही आसान तरीके से रमजान स्पेशल किमामी सेवई बनाकर दिखाएंगे, जिसे बनाने के लिए हमें सोच रहा हूँ सेवई लिए हम इसको ऐसे करकर तोड़ लेंगे पैन पूरा, इसको हम तोड़ लेंगे फ्रेंड्स। हम इसको तोड़ लिए हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हमने गैस को ऑन कर लिया है, इसमें हम देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये जब मेल्ट हो जाएगी ना, तब हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें सेवई ऐड करते हैं। हम गैस को फ्लेम को लो रखेंगे फ्रेंड्स, इसको लो फ्लेम में ही हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करते रहेंगे फ्रेंड्स, जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए तब तक हम इसको रमजान के मौके में सब किमामी सेवई बनाती है फ्रेंड्स, इसलिए हम भी सोचे कि थोड़ा किमामी सेवई का रेसिपी ही क्या क्यों ना डाल दिया जाए। हम इसको फ्राई करते हैं के फ्रेंड्स, हम बहुत ही कम चीजों से इसमें किमामी सेवई बनाकर हम दिखाएंगे फ्रेंड्स। हमको बहुत ज्यादा सामान नहीं लगे, सामान की जरूरत नहीं है, इसको हम लो फ्लेम में ही फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हाई फ्लेम में करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, हमारी सेवैया चल जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो रही है फ्रेंड्स, इसी तरह और हम फ्राई करेंगे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। हम लो फ्लेम ही, गैस को फ्लेम लो ही रखे है फ्रेंड्स, हल्की हल्की ब्राउन हो रही है फ्रेंड्स, इसी तरह हम इसको और ब्राउन कर लेंगे। हम हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स, जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको निकाल। देखिए हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है फ्रेंड्स, हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा हमने निकाल चुके हैं, हम उस फिर वही कढ़ाई बैठा चुके हैं फ्रेंड्स, रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। हम 2 मिनट इसको रोस्ट किए, अब इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। हम जरा सा घी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें ये थोड़ा सा काजू हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। फ्राई हो चुकी है फ्रेंड्स, हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम कर दिए फ्रेंड्स। हम इसमें जरा सा ही घी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 2 इलायची और 3 लौंग ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तेज पत्ता भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हम आधा कप चीनी ऐड कर देंगे इसमें, पानी भी ऐड कर देंगे, हम चीनी और पानी का मात्रा सेम रखेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए, एक उबाल आ जाएगी तब हम इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। चीनी मेल्ट हो जाएगी तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा चीनी और पानी मेल्ट हो चुकी है अभी, और हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे फ्रेंड्स। हमको इसको सिर्फ लाल मोहन का जो रस होता है ना, उस तरह ही बनाना है, तो तार के चाशनी नहीं बनाना है। जरा सा पिंच ऑफ फूड कलर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स,
इससे हमारे सेवैया के कलर अच्छी आएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये हल्की सी और काढ़ी ना हो जाए। हमको इसको चाशनी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, हमको सिर्फ जो लाल मोहन का रस होता है ना वो सही हमको बनाना है। थोड़ी और काढ़ी हो जाएगी तो हम इसको इसमें सेवैया ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और थोड़ी सी ही काढ़ी करनी है, देखिए इसको फ्लेम को मीडियम रखे हैं फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुकी है फ्रेंड्स, देखिए इतना नहीं बनने पर। और हम 2 मिनट इसको और कुक करेंगे, उसके बाद इसमें सेवैया ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हो चुकी है, हमारा ये सिर्फ हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारा हो चुकी है, अब हम इसमें सेवैया ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स ये। ओके अब इसमें हम 1 कप दूध ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे फ्रेंड्स। हम गैस को फ्लेम को मीडियम कर देंगे फ्रेंड्स। इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स जब तक मिल्क एब्जॉर्ब ना हो जाए सेवैये में, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। हम थक देंगे जरा सा, 2 मिनट 1 मिनट हम इसी तरह कुक करेंगे फ्रेंड्स थक कर। हमारी 1 मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स, देखिए हमारा सेवई बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए खिली बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम केस को अप कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम प्लेटिंग करने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें सर्व करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम खोआ ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, इस बार खोआ स्प्रेड कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें हम स्प्रेड कर देंगे फ्रेंड्स, इसको भी स्प्रेड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको हम हिला लेंगे फ्रेंड्स, मिक्स कर लेंगे इसमें। लीजिए फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुकी किमामी सेवई। रमजान में किमामी सेवई का बहुत ही ज्यादा ही महत्व है फ्रेंड्स, इसलिए हमने सोचा कि चलिए किमामी सेवई ही बना लिया जाए, तो इसलिए हमने किमामी सेवे ही फ्रेंड्स हमने घर के ही सामान से ही किमामी सेवई बना कर तैयार किए हैं फ्रेंड्स। ये रेसिपी को आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, यही बहुत ही झटपट से ही बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ये आपको ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। Thank you for watching my video.